हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई वर्षों तक अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद अमर सिंह आज उदयपुर पहुंचे। सेवा भारती की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अमर सिंह ने कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। हालांकि इससे पहले अमर सिंह का संघ के प्रति जो प्रेम है वे सामने आया। आरएसएस के प्रकल्प सेवा भारती की ओर से किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। अमर सिंह ने आरएसएस को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि आरएसएस की ओर से जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वे सभी देश हित में हैं। इसके बाद पत्रकारों की ओर से किए गए सवालों पर अमर सिंह ने अपनी बात रखी। इस दौरान राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर अमर सिंह ने कहा कि जनवरी में कोर्ट का जो निर्णय आने वाला है तब तक प्रधानमंत्री को इंतजार करना चाहिए, लेकिन निर्णय के साथ साथ इस बात की तैयारी भी रखनी चाहिए कि अगर कोर्ट के निर्णय में देरी होती है तो वह समांतर कार्य करते हुए कानून बनाकर राम मंदिर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व का स्वयं जाग गया है और हुंकार रहा है, ऐसा हुंकार रहा है कि अब धर्म निरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग भगवती बनकर महादेव का सहयोग कर रहे, नहीं तो लोग करने वाले नहीं थे। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, दोनों तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोर्ट निर्णय दे दे जनवरी में बहुत अच्छी बात है, निर्णय नहीं देता है तो अभी हमारे पास शक्ति है। राज्यसभा में अगर लोग नहीं तैयार हैं तो जो लोग राज्यसभा में विरोध करेंगे उनकी कलाई खुलेगी। भगवा पहनकर महादेव का श्रृंगार करने का कोई फल उनको नहीं प्राप्त होगा। यह उनकी निजी राय है, लेकिन इस दौरान अमर सिंह ने कहा कि जनवरी में कोर्ट यह कह देगी कि इसका फैसला मई और जून में होगा तो देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र के अंदर राम मंदिर एक मुद्दा है उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को अगला कदम उठाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व का सोया हुआ कुंभकर्ण अब जाग चुका है, इसलिए इस मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।